नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हिंदू सनातन सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक व्यास की अनुशंसा में प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौरे एवं महिला मोर्चा की टीम के द्वारा गरीब एवं विकलांग बच्चों तक फल एवं कपड़े पहुंचाए गए, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीति अटारिया, जिला अध्यक्ष कृष्णा मालविया, तहसील अध्यक्ष हेमलता राय कुंवर का विशेष योगदान रहा। प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौरे ने बताया कि विकलांग बच्चे जो कि भोजन न मिलने की वजह से भूखे सो जाते हैं, हिंदू सनातन सेवा संगठन के द्वारा बहुत जल्द विकलांग बच्चों तक भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। हिंदू सनातन सेवा संगठन की महिला मोर्चा की टीम का सभी पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक व्यास ने उन्हें बताया कि लगातार हमारे संगठन के द्वारा गरीब बच्चों की मदद की जा रही है और हमारे संगठन में ऐसी नारी शक्ति का होना सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र पगारे, राष्ट्रीय महासचिव अमित कुमार शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री संदीप पटेल, प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत अवस्थी, प्रदेश सचिव जयसिंह ठाकुर, प्रदेश मंत्री राजेश भंडारी, तहसील अध्यक्ष सुनील पटेल आदि मौजूद रहे। पीथमपुर से संदीप सिंह राणा की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।